नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज रिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज वार्निंग की कार्य प्रणाली समझाई कि कौन कौन सी प्रणाली कहाँ काम में लेते हैं। इससे पहले आपकी दो क्लासें कंप्लीट हो चुकी है जिसमें आपने वार्निंग पढ़ी लिया होगा। मेरे हिसाब से दोनों क्लासों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बात करें तो आज हम आपको बताएंगे कार्निवल। दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों शेयर जरूर करना दोस्तों। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करें और मेन पॉइंट पे आते हैं। और आज आपका ये पॉइंट क्या है, वायरिंग की कार्य प्रणाली। वायरिंग की प्रणाली, अब वायरिंग की प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो वायरिंग की प्रणाली में आपका पहला पॉइंट आ रहा है यानी ट्री प्रणाली। ट्री प्रणाली नाम से ही दोस्तों, ट्री यानी पेड़ की शाखाओं में अलग अलग भागों में बटी हुई प्रणाली है। यानी एक पेड़ है उसमें अलग अलग शाखाएं निकलती है, तो उसी प्रकार इस ट्री प्रणाली की वायरिंग में भी इसकी अलग अलग शाखाएं निकल जाएगी। जो आप देखते हो इस वायरिंग को हम बोलते हैं अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग कैसे, जैसे आप शादी वगैरह में देखते हो वहाँ पर जो वायरिंग हो आपकी ट्री प्रणाली यानी उसमें क्या होता है, अलग अलग कनेक्शन होते हैं। एक मेन डिस्ट आपका जो एनर्जी मीटर है वहाँ से सप्लाई लेते हैं और अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसके अलावा आप देखते हो मेलों में यह काम होता है। इसके अलावा बात करें प्रदर्शनियों में, तो प्रदर्शनियों में क्या, तो जहाँ पर ये तीनों प्रकार की वायरिंग है ये कौन सी है, अस्थायी वायरिंग है, तो वहाँ पर आपकी ट्री प्रणाली काम में। एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लें कि इसमें किस प्रकार करते हैं। माना कि यह आपका क्या है, एनर्जी मीटर है। यहाँ पर आपकी सप्लाई आ रही है फेज और न्यूट्रल दोस्तों, और इधर से हम वापस आउटपुट में लेते हैं। आप ध्यान रखें इसमें पास वाला पास से और दूर वाला दूर से, इसी प्रकार का कनेक्शन होता है आप जानते हैं जैसे। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर फेज में तो क्या लगा होता है आपका फ्यूज, और न्यूट्रल में क्या लगा होता है, न्यूट्रल लिंक। दोस्तों आप जानते हुए न्यूट्रल लिंक क्या होता है, अगर नहीं जानते, हाँ एक चीज़ आपकी पहले छूट गई, वो आपके एक बार के लिए कर दूँ कि आपकी डीसी यानी डीसी में होती ना डीसी थ्री फेज सिस्टम। डीसी में थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, एक तो प्लस का होता है एक माइनस का, यानी इसको L1 इसको L1 इसको L2, एक होता है आपका मीडियम यानी न्यूट्रल का, तो इस प्रकार होता है। दोस्तों इसमें एक चीज़ ये क्लियर कर लो कि इसमें फेज का कलर क्या होगा, न्यूट्रल का कलर क्या होगा और माइनस का कलर क्या होगा, ये चीज़ अलग है। तो ध्यान रखना दोस्तों, डीसी के अगर थ्री फेज है तो इसका प्लस का तो हमेशा रेड का होगा, और बात करूँ इसे L2 यानी माइनस का सीन, यानी डीसी में प्लस माइनस से पहचानते हैं, इसमें जो माइनस का होता है वो कौन सा होता है, ब्लू, ब्लू यानी नीला। अब बात करूँ मीडियम यानी न्यूट्रल, तो इसका न्यूट्रल क्या होता है, ब्लैक। ये चीज़ आप नोट करें दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज मत होना क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी में मैं बात करूँ तो ध्यान रखना दोस्तों, डीसी में प्लस और माइनस दो होते हैं, जिस प्रकार फेज यूनिट होता है तो डीसी में प्लस और माइनस होता है। अब इस प्लस और माइनस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना इसमें दोनों में फ्यूज लगाए जाते हैं। ध्यान रखना डीसी में दोनों में प्लस और माइनस, वहाँ पर फ्यूल लगाए जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि मैं काफ़ी बार जो डायग्राम बताता हूँ बच्चों को उन्हें फ्यूल लगा, सर बोलते सर प्लस और माइनस यानी फेज और न्यूट्रल में आप फ्यूज क्यों लगा रहे हो। बच्चों आपके पास सही है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपकी एसी सप्लाई हो, तो अगर एसी सप्लाई की बात करूँ तो अगर यहाँ पर फेज और न्यूट्रल है यानी फेज और न्यूट्रल है, तो इस फेज और न्यूट्रल में क्या होगा कि आपके फेज में तो क्या लगेगा, फ्यूज लगेगा, और अगर बात करूँ इस न्यूट्रल की तो न्यूट्रल में हमेशा न्यूट्रल लिंक आता है, जो न्यूट्रल लिंक लगता है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होना, आगे भी ध्यान रखना कि फेज में फ्यूज लगेगा एसी में और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगता है। इसके अलग से क्लास लेके आएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल से बताएंगे, अभी क्या है कि सिस्टम से नहीं बताएंगे इतना। तो यहाँ तक आपको मेरे साथ समझ में आ गया कि डीसी थ्री फेज हो तो यहाँ पर इस प्रकार प्लस में रेड आता है, माइनस में ब्लू आता है, और अगर मैं मीडियम यानी अर्थ की बात करूँ, अर्थ की बात करूँ तो अर्थ के लिए हम ब्लैक कलर का वायर काम में लेते हैं डीसी के लिए। यही बात अगर एसी करूँ तो एसी में फेज में फ्यूज आता है और न्यूट्रल में क्या आता है, न्यूट्रल लिंक आता है। मेरे साथ दोस्तों यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करें दोस्तों, एक मिनट रुकना, अब आपकी चल रही है आपकी ट्री प्रणाली। तो ट्री प्रणाली में आपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लिया जा लिया, अब आगे लेने के बाद यहाँ पर फेज आ गया और यहाँ पर न्यूट्रल लिंक आ गया। अब ध्यान रखना, अब आगे अगर हमें कनेक्शन लेना है तो हम इससे एक ये गया और एक ये न्यूट्रल आ गया, ठीक है, और ये मान लिया कि आपका रूम नंबर एक आ गया। अगर मैं इधर बात करूँ तो ये न्यूट्रल आ गया, ये फेज आ गया और ये आ गया आपके रूम नंबर
दो में। फिर आगे बात करूँ मैं दोस्तों, तो एक आपने यहाँ फेज ये ले लिया, न्यूट्रल ये ले लिया, और ये आ गया आपका रूम नंबर थ्री। और आगे बात करूँ ये इधर जा रही है, माना कि ये आ गया आपका रूम नंबर चार। दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, लास्ट वाला क्या आपका रूम नंबर चार। तो इस प्रकार आपकी जो ट्रिप प्लानिंग है जो अलग अलग शाखाओं में बटी होती है। अब इसमें इसके दो सौ गुण क्या है दोस्तों, इसके गुण तो यह है कि यह एक सरल प्रणाली है, इसके कनेक्शन कोई भी कर सकता है। दूसरे क्या होता है, इसे कम समय में हम कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें कम समय में कर सकते हैं, और तीसरी बात इसके लागत बहुत कम होती है, और इसके केबल भी कम लगते हैं, यानी आपके जो वायर है जो उसकी खपत भी कम होती है। ये तो हो गए इसके गुण। अब बात करूँ इसके दोषों की दोस्तों, तो इसके दोष क्या है, तो दोस्तों एक तो इसका दोष यह है कि एक तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने पर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कहाँ पर शॉर्ट सर्किट ये मालूम नहीं चलता। दूसरा यहाँ पर हमेशा शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है। आगे बात करूँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दोष खोजना बहुत ही कठिन होता है, ये बारेंगे। अब आप इसमें मालूम कहाँ चले कि दोष कहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा इसमें बात करें दोस्तों, तो ये देखने में सुंदर नहीं होती है, यानी बद्दी सी लगाई दिखाई देती है, तो इसी कारण ये देखने में सुंदर नहीं होती है। और इसमें तीसरी बात क्या होती है, आग लगने का खतरा रहता है, यानी इसमें क्या होता है, आग लगने का खतरा होता है। अब तीसरी बात करें इसका दोस्तों, आपको पूछेगा तो इसका ये पूछेगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग शादी मेले, शादी मेले और कहाँ, शादी मेले में लगाया जाता है, कहाँ लगाई जाती है, प्रदर्शनियों में लगाई जाती है, प्रदर्शनियों में यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिप बनाने बस इतना ही है मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब आगे बात करें, पहली आपकी वायरिंग प्रणाली, पहली प्रणाली क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी प्रणाली की बात करें, तो आपकी दूसरी प्रणाली है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली क्या बोलते हैं, वितरण प्रणाली। तो अब इसको हम डीबी प्रणाली भी बोलते हैं, शॉर्ट नाम इसका डीबी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली क्या होती है, दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली आपकी स्थायी वायरिंग है, कौन सी वायरिंग है, स्थायी वायरिंग है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम घरों में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्थायी वायरिंग है। अब इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसके गुण क्या है, एक तो दोस्तों आपको मालूम है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, इसमें एक तो एमसीबी लगी होती है, फ्यूज लगा होता है, जिससे भी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो आपकी एमसीबी क्या हो जाएगी, ऑन ऑफ हो जाएगी, जिससे किसी प्रकार के उपकरणों पर खतरा नहीं होगा। पहला प्रॉफिट इसका ही है। दूसरा, दोष ढूंढना कठिन है, सॉरी दोष ढूंढना आसान है, यानी इसमें आसानी से हम दोष ढूंढ लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक देखने में सुंदर है, क्योंकि आपको मालूम है एक आपकी जो केसिंग कैपिंग होती है, एक आपकी कंड्यूट वायरिंग होती है, उनमें हम क्या होता है कि दोष पहली बात तो होता नहीं होता, तो हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये तो क्या इसके गुण है। अब बात करो इसके दोष की, तो दोस्तों इसके दोष यह है कि एक तो इसकी लागत अधिक होती है, एक तो इसकी लागत अधिक होती है। दूसरी बात करो इसकी लागत के अलावा दोस्तों, तो इसके लागत के अलावा क्या होता है कि इस प्रणाली में, लागत के अलावा बात करूँ तो इस प्रणाली में, लागत के अलावा इस प्रणाली में और मेरे हिसाब से किसी प्रकार का दोष होना भी नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर घरों में यही वायरिंग की जाती है, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। अब एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो इसमें भी क्या होता है कि यह आपका एनर्जी मीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। और एनर्जी मीटर के अंदर पास का पास, दूर का दूर, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर होने के बाद आगे बात करें दोस्तों, तो अब आगे आपको मालूम है एक फेज लगे, एक फेज में फ्यूज लगेगा और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगेगा। इसके बाद आगे बात करो दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों दो बॉक्स लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो माना कि ये तो आपकी एमसीबी हो गई, या आप फ्यूज वगैरह कुछ लगे थे वो हो गई, और ये हो गया आपका न्यूट्रल लिंक, ठीक दोस्तों। तो माना गया एक तो एमसीबी में चला गया फेज वाला, दो और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल लिंक में चला गया। अब इसमें से आप जो उपरिपथ लेना चाहते हो वो कितने भी ले सकते हो, जितने उपरिपथ ले गए उतने न्यूट्रल में से आपको न्यूट्रल लिंक में से उपरिपथ लेने होंगे। तो अब इस एमसीबी में इस प्रकार ये फ्यूज लग गई,
क्योंकि फ्यूज क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय या सप्लाई कम ज़्यादा होने पर क्या करते हैं, परिपथ की सुरक्षा करते हैं, यानी क्या होते हैं, पिघल कर टूट जाते हैं और परिपथ क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, आपके न्यूट्रल लिंक है दोस्तों। अब अगर आपको यहाँ से कोई सप्लाई लेनी है तो एक तो हम फेज का लेंगे, एक हम न्यूट्रल लिंक का लेंगे। अब आया आपका कौन सा भी रूम नंबर एक होगा। फिर इसके अलावा अगर आपको ओ लेना है तो ये आपका ये आ गया रूम नंबर दो। इस प्रकार आप कहीं भी कितने वो परिपथ ले सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसमें यह है कि इसमें अलग अलग वायर लेंगे तो इसमें क्या होता है, वायर भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली हो गई दोस्तों। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वायरिंग की प्रणाली की बात करें तो इस वायरिंग की प्रणाली में तीसरा प्रकार, एक प्रकार और बच रहा है वो देख लो दोस्तों, और इसका तीसरा प्रकार है रिंग प्रणाली। कौन सा है? रिंग प्रणाली। अब रिंग प्रणाली देखना दोस्तों अच्छे से। अब आपकी जो रिंग प्रणाली है, जो इस रिंग प्रणाली का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत वितरण केंद्रों में इसका उपयोग करते हैं, यानी इसका उपयोग विद्युत वितरण केंद्रों में किया जाता है। अब इस विद्युत वितरण केंद्रों में तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, यानी कुल मिला के यह होती है जो आप एक रिंग सर्किट का, एक रिंग सर्किट का किया जाएगा, यानी एक क्षेत्र होता है रिंग सर्किल का क्षेत्र, सर्किल यानी आसपास का क्षेत्र, तो सर्किल का क्षेत्र। अब सर्किल का क्षेत्र कितना हो सकता है, यह लगभग होता है 100 वर्ग मीटर। क्या होता है, लगभग 100 वर्ग मीटर का एरिया घेरता है एक रिंग सर्किल, यहाँ रखना। तो अभी ये रिंग सर्किल 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र तो घेरेगा, लेकिन अभी इसमें भी अलग अलग आपके जो होते हैं, यानी मैक्सिमम उपयोग बिंदु क्या होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम उपयोग बिंदु होंगे, यानी जो मैक्सिमम लोड है, यानी मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम पॉइंट कितने होते हैं वो भी देख लो। तो अब इसमें मैक्सिमम लोड होता है आपका जो कि इसमें विद्युत वितरण नाइल में, तो इसमें क्या होता है, इसमें 30 तो एम्पियर होती है, कितनी होती है 30 एम्पियर, और 250 वाट होती है। अब इसकी तुलना करें तो इसकी जो आपकी किलोवाट क्षमता होती है वो होती है 7.5 किलोवाट, यानी 7 किलोवाट क्षमता की होती है, जो लगभग 100 वर्ग मीटर के एरिया को एरिया में रखती है, यानी पूरा एरिया घेर के रखती है इतनी दूर में, ये एक रिंग सर्किल का क्षेत्रफल है। दूसरी बात करूँ, यानी अगर अब उपभोग बिंदु यानी वितरण के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस प्रकार करते हैं, यानी विद्युत वितरण के मैक्सिमम लोड आ गया। अब लोड के बाद की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक दूसरा है, यानी मैक्सिमम उपयोग बिंदु। अब मैक्सिमम उपयोग बिंदु है, इसमें कितने होते हैं, दो बिंदु होते हैं, 240 वाट होती है। इसके बाद बात करूँ तो इसमें 7.2 किलो वाटेज होती है, यानी कुल मिला से इससे 0.3 किलोवाट कम होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके रिंग प्रणाली है जो ओनली विद्युत वितरण केंद्रों में किया जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से इन तीनों प्रणाली में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।